हेलो प्यारे मेडिकोस, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कम्युनिटी टैब पर इसी बात को वोट किया कि फ्यूचर कैसा होगा। इतने सारे जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इतने सारे MBBS सीट्स बढ़ती चले जा रही हैं साल दर साल, नए मेडिकल कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, तो फ्यूचर क्या होगा। मैं दरअसल अभी मैंने क्लास ली थी, मैंने प्रैक्टिकल क्लास, तो उसमें दो बैच एक साथ आ गए थे मेरी पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिकल क्लास में फाइनल ईयर की। तो मेरा जो सेमिनार रूम था उसमें कहीं बैठने की जगह नहीं थी, फिर हम लोगों ने कुर्सियां सारी एग्जॉस्ट हो गई थी। तब मैंने उन लोगों से यही बात की थी, भाई इतने लोग हो क्या करोगे तुम लोग, तो क्या रियली क्या सिचुएशन है अभी, आप लोगों का भविष्य कैसा है, इस पर हम आज डिटेल एनालिसिस बात करते हैं। क्या आप लोग बेरोजगार हो जाने वाले हैं आगे चलकर, क्या स्ट्रगल्स बढ़ने वाले हैं, डॉक्टर्स का क्या हाल होने वाला है, क्या वो वकीलों की तरह काम मांगते दिखेंगे, जैसे कोर्ट में वकील क्लाइंट पहुंचते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं ना, उस तरह से सिचुएशंस आएंगी क्या, क्या हम लोग फेरी लगाने लगेंगे स्कूटर पर कार पर, होगा क्या आखिर, तो इस पर हम पूरी बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मेरा एक मैंने ऑब्जेक्टिव तरीके से कोशिश की है इसको एनालाइज आपको करके दूं। तो देखो ऐसा है कि डॉक्टर पेशेंट रेशो भारत में बहुत खराब था जब मैं MBBS कर रहा था। आज लेकिन वो रेशो जो है ना, WHO का रिकमेंडेशन है 1000 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, और इंडिया में पता है क्या हो गया रेशो, ये लगभग 800 पर आ गया है, 850 के अराउंड, 884 का था लास्ट जो फिगर था कि 884 पेशेंट में एक डॉक्टर, और ये और इम्प्रूव हो गया होगा एक दो साल में। जो प्रोडक्शन रेट है डॉक्टर्स का इस समय वो लगभग लगभग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स मिलाकर लगभग लगभग MBBS डॉक्टर्स 1,07,000 या 1,08,000 के करीब बन रहे हैं। और ये तो अभी आयुष डॉक्टर्स को मैंने नहीं जोड़ा है, आयुष डॉक्टर अलग बन रहे हैं, और जो फॉरेन ग्रेजुएट्स जो आएंगे वो भी यहां पर आ रहे हैं। तो इतना ज्यादा डॉक्टर्स, मतलब अभी एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स की जो रजिस्टर्ड संख्या है 14 लैक्स के अराउंड है, तो ये 14 लैक्स अगले 10 साल में और एडअप हो जाएंगे, हालांकि तब हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। तो कुछ वीडियोस मैंने ऐसे भी देखे यूट्यूब पर मेडिकोस के कि वो एनालाइज कर रहे हैं पॉपुलेशन वर्सेस डॉक्टर को, जैसे पीडियाट्रिक्स का एक वीडियो देखा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरल पॉपुलेशन में कि 100 पेशेंट हैं यदि और 10 डॉक्टर हैं, और आपकी यदि ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो 100 पेशेंट 10 डिवाइड हो जाएंगे वो 10 डॉक्टर्स में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो 100 पेशेंट्स में से 80 पेशेंट टॉप 2 डॉक्टर्स के पास जा रहे होंगे, रिमेनिंग 20 पेशेंट बचे हुए जो 8 डॉक्टर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस तरह से चलता है रेशो। इसलिए कि जैसे फिल्में बहुत लोग देखते हैं, करोड़ों लोग फिल्में देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम फिल्में खाली थिएटर होते हैं, कुछ ही एक्टर्स की फिल्में जो होती हैं उनको देखने सब लोग पहुंच जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का एक सा नहीं होता है। इस वजह से सैचुरेशन होने पर या ज्यादा संख्या में ऑप्शंस अवेलेबल होने पर आप जो नीचे के स्ट्रेटा में जो लोग रह जाते हैं उनके पास काम बहुत कम हो जाता है। जो टॉप पर हैं वो तो अपनी पोजीशन वैसे ही मेंटेन रखे रहेंगे। इट्स लाइक कि देखो कितने सारे सिंगर, एक तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हर चीज में सैचुरेशन किस चीज में नहीं आ रहा है। इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, IITs के पैकेजेस कम होने लगे हैं, बेरोजगारी IIT के ग्रेजुएट्स तक में होती है, एडवोकेट्स का ये हाल है। तो जैसे सिंगर्स हैं, देखो सिंगर्स कितने ही सिंगर्स इंडियन आइडल और सारेगामा और पता नहीं कहाँ कहाँ से, कहीं कोई काम नहीं मिलता उनको, और लेकिन जो टॉप पर है अरिजीत सिंह है वो वैसे ही बने रहते हैं। अब मेरे फेवरेट शान को काम नहीं मिल रहा है सैचुरेशन की वजह से, इतना कॉम्पिटिशन हो गया, सोनू निगम को उतना नहीं मिल रहा है। तो सैचुरेशन होने पर जो लोग बहुत चल रहे होते हैं उनको इम्पैक्ट नहीं होता है, जो लोग नीचे के, जो तो नीचे की मीन्स जो लोग नए लोग, तो क्या घबराने की बात है आपको, नहीं। कहाँ फर्क पड़ेगा मैं बताता हूँ। जहां तक जॉब की बात है, अगले 15-20 साल आप लोगों का जॉब, अभी भी मेडिकल प्रोफेशन जॉब वाइज सबसे सिक्योर प्रोफेशन है इंडिया के जितने भी प्रोफेशन अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी और एक इनिशियल डिसेंट पेमेंट,
इसमें जितनी अच्छी है किसी भी और दूसरे प्रोफेशन में नहीं है। यह अकेला ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको पढ़ते हुए में एक डिसेंट पेमेंट मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इंटर्नशिप से आपको मिलने लगती है 25-30 हज़ार रुपये। NMC अभी सब इक्वल कर देगा, जो जहाँ कम मिल रही है NMC ने गाइडलाइंस दी हैं, और PG में लगभग 1 लाख, DMCH में लगभग 1 लाख। तो पढ़ते हुए अकेले इसमें मिल रही है, ठीक है, पहले एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जैसे ही आप पास आउट होते हो, सपोज आप सिर्फ MBBS में रह जाते हो, तो एक बात बताओ मुझे, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सरकार बांध के रखना चाह रही हो जॉब करवाने के लिए? बाकी लोगों को तो खुला छोड़ रही, भैया तू जा, इंजीनियर्स हो या वकीलों, चार अपना जॉब देखना है देख। डॉक्टर्स अकेले को बॉन्ड की शर्तें लगा रही है गवर्नमेंट, जिससे कि वो सर्व करें आफ्टर पासिंग आउट ऑल्सो। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा संख्या में लोग करना नहीं चाह रहे हैं। तो आप लोगों को फर्क क्या पड़ेगा? रोजगार का अगले 15 साल तो नहीं पड़ेगा फर्क, लेकिन आपकी मनपसंद जो चॉइस है जगह रहने की, उसमें एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन के लोगों को फर्क पड़ेगा। अभी देखो, ये जो मैंने बताया कि 884 डॉक्टर्स और पेशेंट और एक डॉक्टर का रेशो है, जो कि आइडियल से बेटर हो गया, तो जो WHO ने रिकमेंड 1000 पर एक किया है, लेकिन ये बेहद अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाईली सैचुरेटेड है ये सिटीज में, और रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में टोटल वैक्यूम है, डॉक्टर्स हैं ही नहीं वहां पर। मतलब जहां पर 2/3 पॉपुलेशन रह रही है इंडिया की, वहां पर डॉक्टर्स की संख्या इवन जो रिकमेंडेड से 1/4 भी नहीं है। तो क्या होगा जब इतनी सारी संख्या में डॉक्टर्स प्रोड्यूस होंगे? तो अब ये लोग उन जगहों पर जाना इनकी मजबूरी होगी जहां पर कोई नहीं है। अभी भी जो लोग सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं नए लोग, और कुछ मेरी जनरेशन के भी, वो अभी भी किसी पेरिफेरल एरिया में हफ्ते में 2-3 दिन जाते हैं, दूर के किसी पेरिफेरल एरिया में, क्योंकि उनको पता है कि मेन सिटी में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज्यादा लोग ऑप्शन हैं। तो एक तो ये होगा कि आपकी चॉइसेस में जो सिर्फ शहरी क्षेत्र आप चाहते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा। अभी देखने भी मिल रहा है कि जैसे DMMCH करके भी लोग यहाँ, जैसे पास में जो जबलपुर के इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे सतना, नरसिंहपुर, यहाँ पर DMMCH लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। कटनी, यहाँ पर अभी एक MCH यूरोलॉजी का, मैंने सतना के MCH यूरोलॉजी का पर्चा आज ही देखा, एक पेशेंट मेरे पास आया था। तो अब छोटी जगहों को चुनने लगे और वहां भी बहुत फ्लरिशिंग प्रैक्टिस उनकी चल रही है। बस ये है कि अब जो बड़ी सिटी में रहने का सपना होता था, अब देखो कार्डियोलॉजिस्ट को मेट्रो सिटीज में 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, जबकि जबलपुर जैसी जगह पर 4-5 लाख से स्टार्ट है उनका, और पीक बहुत हाई है। तो ऐसे वो कई ऐसी शहर हैं जहां पर आपको वैक्यूम मिलेगा छोटी जगहों पर। वन दूसरा, आपको क्या करना होगा सैचुरेशन को बीट करने के लिए, जैसे मेरी जनरेशन के लोगों को बीट करने के लिए, आपको वो काम जो मैं कर रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं वही आप करोगे, तो आपको बहुत धीमा स्टार्ट मिलेगा, बहुत बड़ा लैग पीरियड होगा आपके प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट में। यहां मैं बात कर रहा हूं अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने की, ठीक है, उसमें बहुत लैग पीरियड होगा, क्योंकि जो काम मैं या मेरे सीनियर्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जो एस्टेब्लिश है, मेरे सीनियर 60-65 साल के हो गए, उनको आप हम लोगों को रिप्लेस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल्स, ब्रांडिंग, मेहनत, कंसिस्टेंसी, हर चीज लगेगी, और हो सकता है फिर भी ना कर पाओ। उसका बेस्ट तरीका है कुछ ऐसा सीख कराओ जो हमें आता ही नहीं है, जो हम लोग करते ही नहीं है, तो हम तुम्हारे पास वो भेजने लगेंगे। तो ये होती है सुपर स्पेशलिटी। तो इसमें आपकी पढ़ाई का पीरियड बढ़ेगा, आपकी फेलोशिप का पीरियड बढ़ेगा, आपके DM का या MCH का पीरियड बढ़ जाएगा। जो एक लग्जरी होती थी मेरी जनरेशन या उसके पहले, DM या MCH कर लेना, कि कुछ लोग कर लेते थे और हमको उतना ही लगता था, अरे यार कितना पढ़े जा रहा है, कब तक पढ़ेगा, कि बच्चे हो गए हैं लेकिन बच्चा छोड़कर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो वाला जो फेज है, वो जो हमें लग्जरी लगता था, अब ये आपके लिए एसेंशियल होने लगा है। और देखिए, एंड ब्रांच इज ए मिथ नाउ, कोई भी ब्रांच एंड ब्रांच नहीं है, सब में आपको एक्स्ट्रा स्किल्स हासिल करनी होंगी, कोर्सेज छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन एंड ब्रांच कोई सी भी नहीं है, इवन डर्मेटोलॉजी भी नहीं है, उसमें भी आपको कॉस्मेटोलॉजी की कई चीजें बाद में सीखनी पड़ेंगी अपने 3 साल की MD के बाद।
या साइकेट्री भी मैं जो बोलता हूँ एंड ब्रांच, ये दो को ही मानता हूँ कुछ हद तक, तो वो भी नहीं रही, पैथोलॉजी तक नहीं रही। आपको उसमें तक डीएम हिस्टोंक वो ऑन्को पैथो वगैरह में करना है। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, एक तो आपकी चॉइस की जगह आपको नहीं मिलेगी, दूसरा आपको थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ना होगा। फिर भी आप चॉइस की जगह में ही ठसना चाहते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन पढ़ कर आइए, अच्छे से सीख कर आइए कुछ नया काम, और फिर बहुत सारी स्किल्स टुगेदर लेकर फाइट बैक फाइट कीजिए, आपको जगह मिलेगी, आप में से कुछ को जगह मिलेगी। कुछ लोग अभी भी यंगस्टर बड़े पीडियाट्रिशियन भी बनेंगे, मुझे रिप्लेस करके मेरे से बेटर रिकग्निशन वाले पीडियाट्रिशियन बनेंगे आप में से कुछ लोग, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो पूरा खेल जो है ना प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो रही है सक्सेस की क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, ठीक है। तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन पढ़ाई, राइट चॉइस जगह की, देखो आपका कोई वेट नहीं कर रहा है। मुझे याद है कि हम लोग जब जबलपुर में एक सिंगल जब कार्डियोलॉजिस्ट होता था, उनको इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी भी नहीं आती थी, लेकिन पूरे संभाग में क्या नाम था उनका, मतलब क्या स्टारडम था, देखते ही बनता था। उनकी एक सेलो कार थी, लंबी सी सेडान, वो लेकर गुजरते थे तो हम लोग मतलब सब लोग यही ड्रीम देखते थे कि एक दिन ऐसा बनना है, मतलब क्या नाम था उनका। लेकिन इसके बाद फिर 4-5 कार्डियोलॉजिस्ट और आ गए, उनका भी नाम हो गया, उनको भी काम मिल गया। लेकिन जब पांचवें के बाद छठवां आना शुरू हुआ तो अब जबलपुर वाले नाम नहीं जानते हैं, ऐसे करके जब दसवां तक हुआ कोई नहीं जानता, न्यूरोसर्जन को कोई नए न्यूरोसर्जन को जबलपुर में कोई वेट नहीं कर रहा है, सबका काम चल रहा है, कोई भी नए न्यूरोसर्जन का यहाँ पर वेट नहीं कर रहा। लेकिन न्यूरोसर्जन कर नए आ रहे हैं ना, नए आ रहे हैं तो उनको कोई नहीं जानेगा, कई साल तक कोई नहीं जानेगा, उनको अपना नाम बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेंगी, जिसको मैं बाद में वीडियोस के द्वारा सिखाऊंगा कि आपकी प्रैक्टिस आप कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या राइट तरीका होता है अपनी स्किल्स को लोगों तक बताने का, पहुंचाने का। मैं इनके ब्रांच वाइज स्ट्रैटेजीज आपके लिए बनाऊंगा, एक तो जनरल स्ट्रैटेजी का बनाऊंगा एक डॉक्टर के रूप में, और पेशेंट को जैसे मैंने एक और पॉइंट दिया था कि आपका फैन कैसे बन जाए कोई पेशेंट, ये लोग डॉक्टर्स को ये ट्रिक ही नहीं पता, कितनी बेसिक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा ये सब। और उसके तो ये सबसे आपकी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश होगी, वो लोग लकी होंगे जो इस चैनल से जुड़े के सीखते जाएंगे, मैं यही बोलूंगा, ठीक है। तो और अच्छा है, कम लोग रहेंगे तो आपको कॉम्पिटिशन कम रहेगा, कम लोग सीखेंगे, ये बातें कहीं पर बुक में नहीं दी हुई है। तो ये एक इम्पैक्ट हुआ आपका, थर्ड इम्पैक्ट, दो इम्पैक्ट मैंने मेजर बताया, थर्ड आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीजें फ्यूचरिस्टिक हैं। जैसे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी पर मेरा मंडे को जो वीडियो रिलीज होगा, आप वो दंग रह जाएंगे वो वीडियो देखकर। उसमें एक बात में इंटरेस्टिंग है, जो इनका वीडियो मेरे दोस्त हैं वो डॉक्टर श्याम जी रावत, इंटरनेशनली वेल नोन, मतलब अमेरिका तक उनको बहुत लोग जानते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में। उनको एक्चुअली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी तुक्के में मिली, कोई लेता ही नहीं था उस समय, सिर्फ दो सीट थी पूरे एमपी में, उनको सर्जरी लेनी थी, सर्जरी उनको लेने नहीं दी गई अच्छी रैंक के बावजूद, कुछ कुछ जो रूल्स के उठापटक होती है, कहीं ज्वाइन कर लिया था तो उनको कागजात नहीं दिए गए उनके, तो उनको मजबूरी में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी लेनी पड़ी। बट उस सभी के जिन लोगों ने सर्जरी ली हुई ना, वो इतने बड़े नाम नहीं है जितने बड़े नाम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में डॉक्टर श्याम जी रावत हैं, जितना अर्न करते हैं वो, अर्निंग मैं रिवील ही नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन उससे अंदाजा लगा लीजिए अब। तो क्यों? क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक चीज में तुक्के से पहुंच गए थे। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बाद उस समय ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट थे ना इसका कुछ माहौल था, लेकिन अचानक से फिर कैंसर में बहुत सारी रिसर्च, बड़ी बड़ी मशीनें इंडिया में आने लगी, और साथ में कैंसर एपिडेमिक भी शुरू हो गया जो पेस्टिसाइड्स वगैरह के वजह से होता है। थोड़ा सा दिमाग लगा कि जो लोग फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस को लेंगे जिनमें सैचुरेशन कम हो, वो और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि एंडोक्रिन में भी सैचुरेशन बहुत कम है, बहुत सारी सिटीज में वैक्यू खाली पड़ा हुआ है, और इसमें डायबिटिक एपिडेमिक होना है, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगा आगे चलकर, और लॉन्जेविटी बढ़ रही है, ओल्ड एज बढ़ रही है, ओल्ड एज में जाके डायबिटीज और कैंसर दोनों बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक,
जेनेटिक्स वाली ब्रांच जो मैंने बताई थी उसको एक्सप्लोर करना है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा इस तरह के दिमाग लगाने होंगे फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के लिए। न्यूक्लियर मेडिसिन को देख सकते हैं, उस पर मैं कई लोग रिक्वेस्ट किए हैं, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक ग्राउंड रियलिटीज बनाना चाहता हूं। तो मेरे जो उसमें एक सीनियर हैं सर, जिनका खुद का न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर है, वो अमेरिका गए हुए हैं, तो मैंने उनसे व्हाट्सएप पे बात की, तो वो बोले अभी लौट कर आता हूँ फिर, क्योंकि बहुत सारे मेरे क्वेश्चन थे उनसे, तो वो लौट के आएंगे फिर मुझे बताएंगे, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियर मेडिसिन को मैं सिर्फ गूगल वूगल से पढ़ पढ़ू के नहीं समझाना चाहता आपको कुछ भी, ठीक है। तो ये हुई बात कि ये तीन चार चीज़ें इस तरह से इम्पैक्ट डालेंगी। फिर और दूसरा, आगे आने वाले समय में छोटे हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे या बहुत कम, बहुत मुश्किल से खुलेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स से कॉम्पीट करना आसान नहीं है। इतने सारे रूल्स रेगुलेशन ला दिए जा रहे हैं कि एक इंडिविजुअल डॉक्टर उसको बहुत मुश्किल से कर पाएगा। तो क्या होगा, डॉक्टर्स जो है ना, अब धीरे धीरे सेल्फ एम्प्लॉयड कम होकर कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशंस के जॉब पर ज़्यादा होंगे। तो आप अब अपनी यूनिट के राजा से ज़्यादा एक वेल एम्प्लॉयड पर्सन होंगे बड़े कॉरपोरेट में, जो रिस्क वायलेंस का लिटिगेशन का बढ़ रहा है ये भी डाइल्यूट होता है यदि आप किसी इंस्टीट्यूट के जॉब में होते हैं या कॉरपोरेट जॉब में होते हैं। तो ये सब भी सब कुछ मिला मिलू के आप जॉब्स में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉरपोरेट कोई आएगा जो छोटी छोटी जगहों पर अपने क्लिनिक की चेन खोल देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जॉब पर होंगे। अब एक और बात, क्या सिर्फ ग्रूमी ग्रूमी बात है? नो, कुछ लोग आप में से ऐसे निकलेंगे जो कि बाकी प्रोफेशनल जैसे इंजीनियरिंग साइट के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या एमबीएस, इन लोगों से कोलैबोरेट करके कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप शुरू करेंगे और मिलियंस और बिलियन डॉलर कमा पाएंगे। कुछ लोग होंगे आप में से, जैसे जो मैरो वगैरह है, ये डॉक्टर्स का है ना, तो ये तो जो मेडिकल टीचिंग के स्टार्टअप हैं। कुछ स्टार्टअप हो सकता है मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट के आते जाएं। डायग्नोस्टिक के तो ऑलरेडी हैं, लाल पैथोलॉजी, जैसे मैंने सुना है कि एक डिप्लोमा होल्डर है पैथोलॉजी में से जिन्होंने शुरू किया था, तो रैनबैक्सी है, लाल पैथ है। तो ये इस तरह के और स्टार्टअप आप, तो आप क्यों नहीं, आप भी हो सकते हो ये। तो उसके लिए आपको कोलैबोरेट करना, सबसे पहले तो सपने देखना, विजन रखना, सिर्फ एक धर्रे में चलने से ज्यादा एक विजन देखना कि मैं, और खुद को पहचानने टटोलने की कोशिश करना और अपॉर्चुनिटीज को देखने की कोशिश करना, ठीक है। ये आप में से कुछ लोग जरूर करेंगे, इतने सैचुरेशन को कुछ लोग इस तरह से बीट करेंगे। और ये मैं बताऊं, कोई हो सकता है बहुत ही ऑर्डिनरी कॉलेज से पास आउट हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो कोई एम्स न्यू दिल्ली का स्टूडेंट हो या किसी एम्स का इंस्टीट्यूट हो स्टूडेंट हो, वो कहीं का भी स्टूडेंट इस तरह के ब्रेक थ्रू इनोवेशंस और स्टार्टअप करके कुछ करेगा। आप में से ही कोई ना कोई होगा और फिर वो आप ही में से कुछ लोगों को जॉब देगा। तो कुल मिला के ये है कि सिनेरियो अगले 10-15 साल में फ्यूचर जो है वो मेडिकल का अन्य जॉब्स की तुलना में ज़्यादा सिक्योर है। इस वजह से तो पेरेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स मेडिकल में आने का आप लोगों को बोलने लगते हैं। मतलब उसकी वजह होती है कि पेरेंट्स, एज ए पेरेंट ना, क्या होता है कि पेरेंट्स हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मतलब अपने बच्चे को सिक्योर सेफ देखना चाहते हैं इकोनॉमिकली। तो मेडिकल में उनको ये दिखाई देता है कि यार इसमें बेरोजगार तो नहीं होगा, खा तो लेगा। आप सिर्फ एमबीबीएस है ना, तब भी आपको जॉब मिल जाएंगे। आप बस जगह जगह कॉम्प्रोमाइज करें तो विद इन आपके पास आउट होने के एक हफ्ते के बाद आपको जॉब मिल सकता है। गुजरात में और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ वॉक इन इंटरव्यू होते हैं। आप सेक्रेटरीट जाएंगे, यदि आप सपोज कोई स्पेशलिस्ट हैं और जाएंगे और आपको सीधे सीधे जॉब मिल जाएगा, या ट्रस्ट हॉस्पिटल चलते हैं वहाँ पर बहुत सारे, वहाँ भी इमीडिएटली जॉब मिल जाते हैं। तो ऐसे भी कई जगह पर जहाँ बहुत वैक्यूम है, तो बेरोजगारी तो नहीं होगी अभी, लेकिन हाँ 15-20 साल बाद वालों को फिर ये हो सकता है फिर इसकी वैल्यू जो है बहुत कम हो जाए। हाँ एक चीज़ और, मैं जब सेलेक्ट हुआ था तो मैं छोटी सी जगह पचमढ़ी में था, सेलिब्रिटी जैसा मुझे ट्रीट किया गया, और मतलब पूरा पचमढ़ी, और मतलब एक तो मैं बहुत ही, हम चलो वो बात नहीं करते, सेलिब्रिटी जैसे ट्रीट किया सबने, ठीक है। अब तो सिर्फ ना वो कोचिंग वाले जो आर्टिफिशियल ढमर ढमर कर लेते हैं, बाला मुलू पहना लेते हैं क्योंकि अगले बैचेस को लाना है उन्हें,
बट जेन्यूनली कोई मोहल्ले में कोई वैल्यू नहीं कर रहा. आप इवन एम्स में भी सेलेक्ट हो जाओ ना तो कोई खास कोई नहीं पूछ परख होती है. मेरा बेटा तो हुआ ना अंडर 500 रैंक थी, बट कोई ऐसा कुछ सेलिब्रिटी हम लोगों की तुलना में तो कुछ भी उसको नहीं कोई रिकग्नाइज करता है कि बड़ा अचीवमेंट के रूप में. तो क्यों होता है ऐसा? जो चीज़ें बहुत कॉमनली अवेलेबल होने लगती हैं उनकी वैल्यू कम होने लगती है, और वैल्यू कम होती है तो उसकी ना सिर्फ रिस्पेक्ट कम होती है बल्कि उसके खिलाफ बोलने वाले लोग, क्योंकि उसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या उससे लड़ने वालों की संख्या भी बढ़ने लगती है. मैंने एक एग्जांपल ये दिया था, जैसे कि पत्रकारिता. अब जस्ट 10 साल पहले इमेजिन करो, पत्रकारों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल पाता था, कोई कुछ नहीं बोलता था. लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया में एवरीबडी इज पत्रकार नाउ, तो वो उनको ट्रोल करने लगे, उनको बुरा बुरा हर पत्रकार को बोलने लगे, हर हर पत्रकार को गालियां दी जाने लगी हैं. ये इसलिए होता है जब ऑप्शंस क्रिएट होते हैं. तो मेडिकल प्रोफेशन में भी ये जो मिस्ट्रस्ट है पेशेंट का, आप पर शक करना है या आप पर कोई झूठे केस करना है, या सच्चे केस भी होते हैं वो कर देना है, या फिर लड़ाई झगड़ा कर लेना है, ये सब बढ़ेगा. इसका सोल्यूशन आसान नहीं है, लॉज अकेले से नहीं होगा. जब तक डॉक्टर्स, जैसे मैं ये क्यों करता हूं, मैंने ये चैनल को सीधे आम आदमियों को पर्सपेक्टिव बताना जरूरी है इस प्रोफेशन का, उनको इस प्रोफेशन की अनसर्टेनिटीज बताना जरूरी है. उन्हें लगने लगा है आम लोगों को कि हम यदि पैसे कोई चीज में खर्च कर रहे हैं तो ये बिल्कुल मशीन जैसा है कि हमने कार की कोई सर्विसिंग दी दी और कार की लाइट खराब थी और बदल दी गई. इट्स नॉट लाइक दैट. ह्यूमन बॉडी अभी हम साइंस हमारा इस लेवल पर नहीं है कि पूरी निश्चितता से सब कुछ कर सके, सर्टेनिटी से कर सके. तो ये पर्सपेक्टिव हम लोगों को बताने का काम हमारा है, बट डॉक्टर्स ने कभी ना प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया है ढंग से, और मीडिया ने उनको कोई वो भी नहीं दिया है, प्लेटफॉर्म भी नहीं दिया है. निगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलते हैं, सेंसेशनल होती हैं निगेटिव न्यूज़ तो. लेकिन अपनी ओर से भी तो हम लोगों ने कोशिश नहीं की है. जैसे मेरा एक वीडियो देखना आपकी डेड बॉडी, वो गब्बर सिंह मूवी में खूब तालियां बजती हैं जब अक्षय कुमार बोलता है कि डॉक्टर ये कुछ चिल्लाता है उसको व्हील चेयर पर लेकर आकर. तो ये जो लोग उसको बिलीव करते हैं कि डेड बॉडी को ट्रीट किया जाता है आईसीयू में, बट ये इम्पॉसिबल है कितना भी लालची डॉक्टर हो. तो मैंने ये इमेजिन करते हुए एक वीडियो बनाया था, उसको इवन डॉक्टर्स ने नहीं देखा ज़्यादा और ना शेयर वेयर किया, कि वो पर्सपेक्टिव कि ये कितना गंदा आरोप है कि कोई पैसे के लिए आईसीयू में रखा हुआ है. मतलब मैंने वो समझाया उस वीडियो में कि एक बेहद बेहद करप्ट डॉक्टर है, इमोरल है टोटली, तब भी वो यदि डेड बॉडी को रखकर ट्रीट कर रहा है तो उसको कितना रिवेन्यू आएगा. ये मैंने समझाया, इंटरेस्टिंग है देखना. वो पूरा मैंने कैलकुलेट किया है कि कितना रिवेन्यू उसको हासिल होगा और बदले में उसको कितनी रिस्क होगी. उससे ज़्यादा आसान मैंने उसमें अंत में कॉन्क्लूजन दिया है कि वो किसी अंधेरी जगह पर खड़े होकर किसी को चाकू वाकू अड़ाकर लूटपाट करे तो वो ज़्यादा कहीं ज़्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल करप्शन होगा, रेदर देन इस टाइप के फूलिश करप्शन में जो कि डेड बॉडी को ट्रीट करके वेंटिलेटर से कुछ पैसे कमा रहा हो. इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है. बट ये एलिगेशन है, ये मेरे ताऊ जी भी मानते थे, तभी तो मैंने वो वीडियो बनाया. मेरे ताऊ जी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार, लेकिन उन बोले नहीं, होता है कन्हैया, अव्यक्त होता है, ठीक है. उन्होंने खूब मेरे को ऐसे बोला, तब मैंने सोचा इसको बताने की ज़रूरत है. ये कितना, मतलब पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग भी इस तरह से बिलीव करते हैं, क्योंकि हमने कभी समझाया नहीं. बट मैंने बनाया और किसी ने उसको देखा नहीं, मुझे दो थम्प अप थम्सअप भी नहीं दिया, IMA ग्रुप और सब ग्रुप्स में डाला मैंने, किसी ने कोई अप्रिसिएशन नहीं किया उसके लिए. तो हम जब तक कम्युनिटी में मिथ्स दूर नहीं करेंगे डॉक्टर्स, आगे आकर ये पढ़ेगा. आपकी जनरेशन इसका सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली होगी, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ रही है डॉक्टर्स की, और आपके ऑप्शन है. आपसे लड़के कोई 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये दे के किसी और को दिखा लेगा, उसको ये पता है. तो आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, ठीक है. तो वैल्यू कम होगी, पैसे कम नहीं होंगे. पैसे आप हमारी जनरेशन से शायद ज़्यादा कमा पाएंगे, क्यों, ठीक है. काम आपके पास होगा लेकिन रिकग्निशन बहुत डिफिकल्ट होगा. अपने एक ब्रांड इमेज, एक डॉक्टर की जो होती है, वो कुछ ही लोग बना पाएंगे. अभी भी ज़्यादा लोग नहीं बना पाते हैं. लाइक अभी मैंने जो हिसाब लगाया, लगभग 20% डॉक्टर्स को
एक अच्छी ब्रांड इमेज कॉरपोरेट में या सेल्फ प्रैक्टिस में या मेडिकल कॉलेज में कहीं भी हो, एक जनता जानती है सिर्फ 20% को, और अच्छा डॉक्टर मानती है, अच्छा ईमानदार स्किलफुल। ये आपकी जनरेशन में ड्रॉप होके 10% पर गिर सकता है, इवन 5% पर, मतलब कि और 10 लोगों को मुश्किल जाएगा वहां तक रीच करने में, और हो सकता है पांच, सिर्फ 5 लोग जो सब तरह की धक्का मुक्की कर लेंगे वो सक्सेस हासिल करेंगे। वन मोर थिंग, एक और ट्रेंड में देख रहा हूं वो ये कि सेकेंड जनरेशन डॉक्टर्स जिनके हॉस्पिटल हैं, मतलब जिनके पापा लोगों के सक्सेसफुल हॉस्पिटल हैं, सेकेंड या थर्ड जनरेशन डॉक्टर्स, वो कहीं से भी पढ़ कर आए, वो प्राइवेट कॉलेज से आए या बहुत अच्छे कॉलेज से आए, वो जल्दी सक्सेस हासिल कर रहे हैं, वो सीधे बॉस बन रहे हैं, आपको एम्प्लॉय कर रहे हैं और उनका नाम भी हो जा रहा है। उसकी वजह है कि फादर की जो गुडविल है उस शहर में वो पूरी की पूरी उनको ट्रांसफर हो रही है। लोग ये नहीं पूछते हैं कि आप किस कॉलेज से पढ़कर आए, मार्केट में ये नहीं पूछते हैं। दूसरा, सिर्फ गुडविल नहीं, उसको फादर से कुछ स्किल्स भी हासिल हो रही हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, उसको ब्रांचेस का पहले से पता था कि मार्केट में इस ब्रांच की जरूरत है, और मेरे पापा ने मुझे, या तो वो जो फादर की ब्रांच को मैं कैरी फॉरवर्ड करूं जिसमें बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, या उस ब्रांच से कॉम्प्लीमेंट्री करूं। तो ये देखा जाए, और देखो ये देखा जाए तो, और अमीर लोग जो हैं, अमीर लोग भी बॉसेस बनते जा रहे हैं, वो चाहे कहीं से भी पढ़े। सबसे ज्यादा मुश्किल है ऐसे, सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों को है जो मॉडेस्ट बैकग्राउंड के हैं और जिनका फर्स्ट जनरेशन है, जिन्हें ना तो गाइडेंस है ना जिनके पास एडिक्वेट पैसा है, तो वो उनको मुश्किल जाएगा। तो उनको कॉम्पनसेट करना होगा अपना खूब अच्छी पढ़ाई से, ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई करके आगे तक पढ़ के, अभी भी मौका है, आप आराम से बीट कर सकते हैं सिचुएशन को। कई ब्रांचेस ऐसी पड़ी हुई हैं, जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है, एंडोक्रिनोलॉजी है, यूरोलॉजी है, ये रेटिना सर्जरी है, ये सब जो है बहुत कम सेचुरेटेड है। क्लिनिकल हिमेटोलॉजी है या हिमेटो ऑन्को है, या पैथो के बाद जो वो होती है ऑन्को हिस्टोपैथोलॉजी है, डीएम जेनेटिक्स है, ये रिलेटिवली काफी अनएक्सप्लोर्ड और अनआइडेंटिफाइड है। जैसे और भी हैं, मतलब सर्जरी साइड में हम ले लें तो और भी हैं, जैसे गैस्ट्रो भी, गैस्ट्रो सर्जरी में, और लिवर हेपेटोबिलियरी सर्जरीज जो हैं। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करो जो सैचुरेट, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके। फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस को कैसे पिक करें, देखो ब्रॉड स्पेशलिटी तो आपने मेरे वीडियोस तय करके तय कर ली होंगी आपके लिए क्या चाहिए, अब मैं बात करूँ आगे आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए। तो उसके लिए ना बहुत ही अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, दो तरीके। एक तो अपने शहर में ये देखना कि जो लिस्ट है प्रॉस्पेक्टस में डीएम एमसीएच की, उसमें से कौन सा डीएम या एमसीएच अवेलेबल ही नहीं है, कि इस तरह की सिटीज में देखना जो जबलपुर जितनी 30-40 लैक्स भोपाल टाइप की सिटीज हैं, उस उन सिटीज में, भुवनेश्वर है ना, इस तरह की मिडिल सिटीज में या तो है ही नहीं या बहुत कम, कौन से सुपर स्पेशलिटीज हैं या कौन सी ब्रांचेस हैं या सब स्पेशलिटीज हैं, ठीक है। वन, दूसरा, अमेरिका के हाईएस्ट अर्निंग मेडिकल ब्रांचेस की लिस्ट देख लिया करो, उसका एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ये मैंने ना, जब मैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एमडी कर रहा था जब, तो हमारा एक टी क्लब होता था, तो उसमें मैं चाहे, उसमें बहुत बच्चों टाइप की छोटी छोटी लकड़ियों की कुर्सियां थी, हम लोग ऐसे गोल गोल बैठ के उसमें चाय पे बातें करते थे। तब मैंने वहां, उस समय मोबाइल फोन तो ये वाले थे नहीं हम लोगों के पास, तो वह उसने मुझे कहाँ से वो दिखा, कुछ गूगल वगैरह पर, गूगल तो आ गया था, कुछ मैंने कहीं पर सर्च किया था तो वो दिखा मुझे क्या कि अमेरिका की सबसे हाईएस्ट अर्निंग ब्रांचेस, तो उसमें वन ऑफ द लोएस्ट क्लिनिकल ब्रांच पता कौन सी लिखी थी, एंड नोबडी, बिलीव मी, नोबडी न्यू दैट एट दैट टाइम कि पीडियाट्रिक्स इज गोइंग टू बी लोएस्ट अर्निंग ब्रांच। जब मैं एमडी कर रहा था वो अमेरिका की लिस्ट में वन ऑफ द लोएस्ट अर्निंग ब्रांच में पीडियाट्रिक्स लिखी हुई थी। कब? जब मैं एमडी कब कर रहा था, 2001 के अराउंड की बात है, 2001, अभी से
23-24 साल पहले। तो अमेरिका का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर लौट आता है, बाकी देशों में फैलता है वो ट्रेंड। क्योंकि क्यों फैलता है क्योंकि हमारे ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है ना, इसके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ज़्यादातर पॉलिसी मेकर्स यूके, जर्मनी और यूएसए, इनफैक्ट पहला ऑर्डर पे यूएसए रखूँगा, यहाँ से आइडियाज़ लेकर आते हैं और सब पर वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं, ज़्यादातर हमारे जो फैकल्टीज होते हैं। तो इसलिए जो पॉलिसी चेंजेस होते हैं वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होती हैं, इस वजह से यहाँ आते आते वो 10-1 साल, जैसे कि उस समय ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चलते थे हमारे इंडिया में, अब देखिए बढ़ते चले जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस। पहले हमारे यहाँ कॉरपोरेट नहीं चलता था, अब कॉरपोरेट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो ट्रेंड यहाँ पर आता है। तो फिर मैं जब पास आउट हुआ तो मैंने वाकई देखा कि पीडियाट्रिक्स में तो अर्निंग ही नहीं है कुछ भी, बहुत डिफिकल्ट है इसमें अर्निंग, है ना। तो ये सोशल ब्रांच है, सोशल पर्पसेस की थी हाँ, लेकिन फिर से पिछले 3-4-5 साल में इसमें रिवाइवल हुआ, इस वजह से क्योंकि एडल्ट डीएम और पीडियाट्रिक डीएम दोनों आ गए इसमें, तो थोड़ा सैचुरेशन बीट करने के मौके मिले। तो इससे क्या मैसेज मिला आपको कि अमेरिका की हाईएस्ट अर्निंग ब्रांचेस की लिस्ट देखा करो, वहां पर मेरे ख्याल से इस समय प्लास्टिक सर्जरी नंबर 1 पर है, ठीक है, और ऐसी ब्रांचेस नंबर 1 पर है हाईएस्ट अर्निंग में जिनमें हाथों का उपयोग है, हैंड्स का उपयोग है। लेकिन मैंने एंडोक्रिनोलॉजी इसमें नीचे है, उतना हाईएस्ट अर्निंग नहीं है, बट बावजूद उसके इंडिया के लिए एंडोक्रिन देखी है क्योंकि डायबिटीज का ये हब है, इंडिया डायबिटीज का नंबर 1 है प्रिवलेंस वाइज भी और इंसिडेंस वाइज भी, हमें ज्यादा होता है डायबिटीज और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इस इंसिडेंस में वो प्रिवलेंस ह्यूज बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से एंडोक्रिन करके जो प्रोसीजर्स की आप कमी कैसे दूर कर सकते हो, एंडोक्रिन में आपका एक चैम्बर होगा, उसमें एक ऐसे परिक्रमा से टाइप की होगी बीच में हो, और आपका डिजाइन ऐसा होगा कि चारों ओर पेशेंट घूमेगा कैसे, एक कमरे में डाइटिशियन होगा, एक कमरे में उसके प्यूबर्टल चेंजेस वगैरह यदि कोई बच्चा है तो वो सब देखने के लिए कोई होगा, एक कमरे में उसका ब्लड शुगर और अन्य हार्मोनल जांचों का लैब होगा, एक कमरे में रेटिना स्कैन होगा, मतलब क्योंकि इसमें आप जानते हो कि रेटिना वगैरह खराब हो जाती हैं, तो ऐसे करके वो ऐसे सब जगह राउंड लेकर आपके पास फाइनल रिपोर्ट लेके वो सब चीज़ों की पहुंचेगा, आप जल्दी से कंसल्टेशन दोगे, जो भी दवा लिखना है दोगे, कंक्लूजन बना के हो गया। तो आपको उन सब आपकी जो फी है वो जस्टिफाइबल होगी हायर रखना, वो पेशेंट भी सेटिस्फाइड होगा कि उसको इतना समय दिया गया, हर कमरे में देखा, हालांकि वो और उनको भी रोजगार मिल रहा होगा जो लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप बहुत उसमें भी बिना प्रोसीजर्स के अर्न कर सकते हैं। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इंडिया में 50 लाख के अराउंड टॉप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कमाते हैं, 50 लाख to 1 crore कमाते हैं, मिडिल सिटीज की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरह से आपको सोचना है और ये है आपका भविष्य, तो चिंता की बात नहीं है, थोड़ी रिस्पेक्ट में तो कमी आएगी, लेकिन रिस्पेक्ट अगेन कोई डिग्री नहीं देती आपको, रिस्पेक्ट आपका कंडक्ट, आपका नॉलेज, आपकी सर्विस, आप कितनी सर्विस दे रहे हो लोगों को, रिस्पेक्ट रिटर्न होता है जो आप दूसरों को दे रहे होते हो उसका, और रिस्पेक्ट जो है प्यार का ही एक स्वरूप है। तो जल्दी से मुझे जो लोग प्यार करते हैं वो कमेंट्स लिखकर बताइए कि वीडियो कैसा है, वही मेरी रिस्पेक्ट होगी जिससे मैं और बेटर वीडियोस बाद में बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।